अब आ गया परीक्षा का समय। अब चाहे पेट की ताकत लगाओ चाहे हाथों की ताकत लगाओ, ये कब से है? हो गए 9 महीने। मतलब ये बीमारी है पेट की आपको, इतना बड़ा पेट नहीं होना चाहिए। ए बंदी जन, कहिए महाराज। बता किसको किसको तोड़ना है? किसी को नहीं तोड़ना, इस अजगो को तोड़ना है। ये अजगर है? अजगर नहीं, अजगो, धनुष। अजगो तय, अजगो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। अभी देखो, अभी तोड़ता हूँ। हाँ तोड़िए। का का करना है इसको? इसको उठाना है, फिर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना है, फिर और इसको दो भागों में बांटना है। अरे तो मैं इसको उठा सकता हूँ? उठाइए। अरे तोड़ सकता हूँ? तोड़िए। लेकिन छू नहीं सकता। महाराज ये बताइए, जब तक आप इसको छुएंगे नहीं तो ये टूटेगा कैसे? एक कुल्हाड़ी ला, मैं भी इसे फाड़ डालूं। नहीं ये कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना? हाँ तोड़ना ही है। हाँ अपना बल दिखाइए। अभी एक पर ये बता, क्या तोड़ डालूंगा तो क्या मिलेगा? सीता। पपीता? पपीता नहीं, सीता। सीता कौन है? लड़की की? लड़का? लड़की, नाम से पता नहीं चलता। ए! क्या मुझको लड़की क्या करना है? मुझे लड़की नहीं, मुझको लुगाई चाहिए। अरे महाराज जब आपका विवाह होगा तभी तो वो आपकी धर्म पत्नी बनेगी। ओहो ठीक है, तो सीता का तो देख के मुझे मिर्गियां होने लगी। इसको तोड़िए पहले। आओ अभी तोड़ता हूँ, इतना सा धनुष ना तोड़ पाऊंगा का। आई एम जो आनिंदा पहलवान। तोड़िए महाराज। अभी तोड़ता हूँ, देखना। सब लोग तैयार हो जाओ लड़ुआ खाने को। अभी मैं एक उंगली में इसको बगदा दूंगा। जय हो मोर हनीमून बप्पा। अरे वो हनीमून नहीं, हनुमान। हनुमाना मजानू हनीमूना। जय हो मोर जबरंग बली। अरे बजरंग बली। बजरंग बली, ये तो धनुष की पूंछ कैसे मोरे नाके में घोसाती। जय हो बजरंग बली। किसका नाम ले लिया? बजरंग बली का, जो खुदे रणुआ फेरते तो मोर कहां से ब्याह करा दे। अभी अभी तोड़ता हूं। तोड़िए। हाँ देखना, एक उंगली से तोड़ डालूंगा। आई एम जॉन इन द पहलवान। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे भाभी, अरे बुआ, अरे गुहारे, क्या हुआ महाराज? एक अंगुली में ना टूटेगा तो अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करिए। ये छतर वो है, धनुष है, ये छतरपुर का पहाड़। एक अंगुली में ना टूटेगा, पूरे का पूरा हाथ लगाना पड़ेगा। लगाइए। हाथ लगा दूंगा तो ऐसे टूट जाएगी, देखना पहले। हाँ शहबाज, हाँ टूट गया पक्का, चिंता ना कर। और उठा थोड़ा, और उठा, और थोड़ी ताकत लगा, और थोड़ी। हाँ टूट गया, टूट गया, टूट। क्या मेरा हाथ? वाह महाराज, एक हाथ तो गया, अब दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ अब ये वाले हाथ से तो पक्का टूट जाएगा। हाँ तोड़िए। हाँ ठीक है, और थोड़ी ताकत लगा। ओटो है, थोड़ी और ताकत लगा, और थोड़ी ताकत, और थोड़ी ताकत। हाँ उठ गया, अब तो टूट जाएगा, और थोड़ी ताकत। ये क्या कर दिया महाराज? अरे अरे सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। यही निकालना था। चलो जाओ। पाठक जी एक बाल्टी पानी लेता हुआ। चलो ये धनुष नहीं हमारे पास का, हम जात हन मस्का मस्का। देखिए राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग तो किया। तम किताक तक शिव धनु धरही, उठ ही न कोटि भांति बल करही। बल लगाया गया लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मनो जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां एक दो राजा नहीं, पूरे 10,000 राजा लोग आए। भूप सहस 10 एक ही 12,
लगे उठावन तेरे ही न टारा। राजा जनक ने देखा कि 10,000 राजा तोड़ना तो दूर की बात, उठा भी ना पाए। तो राजा जनक के मन में क्रोध आ गया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने बोले बचने रोष जनुसाने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम और समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरिदीप दीपांता से आई हुए बेपालो, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता। अगर सभी बेपाल सीहत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो प्रत्याग कर देते मेरी मिथिला का, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन व्यापारों की ओर, इन व्यापारों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा किया। बैठे नीजे अनजे जाए ये समाजा। कब? जब श्री हत भई अगर है कोई ऐसा मैपाल जो आकर के कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, है कोई ऐसा मैपाल जो आकर के मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दे और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की मूर्ति। अगर अगर कोई नेपाल आकर के मेरे प्रति पूर्ति कर देगा तो उससे मैं 3-3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको वो अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रति पूर्ति कर देना। कि यह कुंवर मनोहारी बीज है बड़ी और कीरति अति कामनी। और पावन हारे ये बिराजो जनो तो रचाओ न धनु दमिनी। मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे थे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा था। तो काहू काहे काहे नसा कर चापे चढ़ावा तो काहू
आए आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। आज मैंने भी तो सोचा था कि मैं अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करूंगा। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, सारी हो जाएगी, तो बेटी को अपने हाथों से ढोली में बिठा करके विदा करूंगा। कितने अरमानों से मैंने बेटी का पालन पोषण किया था। संसार का प्रत्येक पिता सोचा करता है कि अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है तो उसकी डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज आज हमारी ये अरमान सजी की सजी रह गए कि हम कहे कि दुलारी हमारी रही। कि हम कहे कि हमारी दुलारी रही ओ सीता बेटी मेरी आज क्वारी। राजा बेटी मेरी आज क्वारी रही। कि बड़े अरमानों से मैंने पाली सिया। कि बड़े अरमानों से मैंने पाली सिया। एक कर आज पटे ता हमारा थिया। कि आज कैसी मती मेरी मारी गई। अब ये कह दे कि राजा बेटी मेरी आज क्वारी रही। कि सीता बेटी मेरी आज क्वारी रही। आज बड़े अरमानों से पढ़ किया था मैंने। आज एक राजा की बेटी, आज एक राजा की बेटी क्वारी रह गई। आज मेरा इस प्रकार का उपहास हो गया जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश दरवाजे से वापस चली जाए, तो उस पिता की संसार में इससे बड़ी हंसी और कोई नहीं हो सकती। आज एक राजा की बेटी होकर के आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो रहे हैं। आज मैं क्या देख रहा हूं कि सभी मेरे पास शांत हो गई। कहना नहीं चाहता था, बात कर दिया कहने के लिए। आज विवश कर दिया कहने के लिए तो कहलाना पड़ा आप लोगों ने। सुन ले सारे छत्र में पाल, आज कहना नहीं चाहता था कहवा ले आप लोगों ने, तो मैं कह रहा हूं कि ये अबे जाने के ओ ये माखे भटे मानी और ये पीरे बीने मही मैं जानी। अगर बीर बीन मई मैं जानी तो खत्म हो गई आपकी मनमानी।
एक आशा लेकर के आए थे आप लोग, तो उस आशा का परित्याग कर दो और करना क्या है, अपने अपने घरों को जाओ। कि ये ताजा हुआ से निज निज गृह जाओ, क्यों, क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह। उत्ता जाऊ आसे जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान के ही भये दुखारी।